सामान्य दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं, हम जो रोस्ट वीडियो बना रहे हैं कुछ लोगों को उनसे दिक्कत हो रही है। तो भैया, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम लोगों को आखिर इससे क्या परेशानी हो रही है। न तो हम किसी पे पर्सनल छींटाकशी कर रहे हैं, न हम किसी का अपमान कर रहे हैं, हम एक गाने और उसकी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर किसी भी भाई या बहन को कोई तकलीफ हो रही है तो हमें सभ्य शब्दों में बता सकता है। अभी एक भाई हमारे गाने पे कमेंट कर रहा था, उसके बाद उसने कुछ उल्टा सीधा लिखा और वो सोच रहा किसी को पता नहीं चलेगा। अब हमने उसका नाम, गांव, बाकी जगह लेकर के मैंने उसे कमेंट किया। पहले वो भाई कह रहा था कि आजा, मैं तेरे गाने को रिपोर्ट करता हूँ, तेरे चैनल को उड़ाता हूँ, सस्ता कैरी बनाती, तू डर गया, ये वो ऐसा वैसा। अब मैंने उसकी जगह का एड्रेस लेके बोला कि तेरे को तेरे एड्रेस पे वो भेजता हूँ नोटिस। तो वो भाई डर करके उसने सारा अकाउंट अपना डिलीट कर दिया। फिलहाल उसका कोई भी वीडियो और कोई भी किस्म का हमारा कमेंट उसके चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो भैया, आप सस्ता कैरी मिनाती बोल रहा था, पहली बात तो तुम ये देख लो कि ये भाई, मैं चैनल पे कब से हूँ, हमारा पहला वीडियो कब डला था और 2011-12 का हमारी एक्टिविटी देख लो कि उस समय पे हमने क्या कर रखा है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करो। अब आते हैं मुद्दे पे। तो आखिर आप लोग ऑफेंड क्यों होते हो? अगर हमने किसी गढ़वाली गाने का रोस्ट किया है तो उसमें आपको ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IT एक्ट के मुताबिक या YouTube की गाइडलाइंस के मुताबिक भी कोई भी वीडियो अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, खास तौर से YouTube के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, तो उसको रोस्ट किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उस पर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, एक मर्यादा में रह के ऑफकोर्स। तो जैसे ही कोई गाना या कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है तो वो क्रिटिसिज्म के लिए एलिजिबल हो जाता है। और वैसे भी अगर उस गाने में कोई ऐसी कमी है जिससे किसी को ऑफेंड होना है तो ऑब्वियसली हम उस पार्ट को हाईलाइट करते हैं केवल, और किसी को ऑफेंड करने से बचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट कर रखे, भाई तेरे को इंडस्ट्री के बारे में पता क्या है, कितनी मेहनत से लोग काम करते हैं, कौन कैसे रह रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। तो भैया, आप लोगों में बता दूं कि आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं भी इसी एक इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं भी इसी इंडस्ट्री से आता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्या होता है। आई हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन इन दिस इंडस्ट्री। गढ़वाली म्यूजिक इंडस्ट्री, गढ़वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं बहुत पुराना हिस्सा रह चुका हूँ और अभी भी हूँ। तो अगर लोगों को पता नहीं है तो जा करके पूछ लो पुराने लोगों से जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। तीसरी बात, आपके जो भी आर्टिस्ट हैं, हमारे जो भी गढ़वाली, कुमावनी, जौनसारी या किसी भी किस्म के क्षेत्रीय भाषा में जो भी सक्रिय कलाकार हैं, उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है जिसके लिए हम हर वीडियो में कहते हैं कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम। हम किसी भी कलाकार की इंसल्ट नहीं करते हैं, हम एक गाने में दिखाई गई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं या उस पर मजाक बनाते हैं, जो भी है, और वो मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते नहीं हैं। मजाक बनाने और मजाक उड़ाने में एक फ़र्क होता है। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उनका कहीं ना कहीं उन गानों के मेकर्स को भी फ़ायदा मिलता है, वो गाने हाईलाइट होते हैं, उनकी रीच बढ़ती है और उसके बाद उनको व्यूज़ मिलते हैं, जो कि उनका पहला मकसद है यूट्यूब पर आने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। तो भैया, उस तरह से तो आप इस चीज़ को मत लो कि किसी को बुरा लगता होगा, ये लगता होगा, वो लगता होगा। अगर ओरिजिनल क्रिएटर को लगता है कि इस गाने में किसी गलत तरीके से उन पर कमेंट किया गया है तो वो पहले कॉन्टैक्ट भी करते हैं, और कई लोग जो कॉन्टैक्ट नहीं करते वो कॉपीराइट क्लेम या अन्य तरीक़ों से बताते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें भी बता दूं कि रोस्टिंग भी एक किस्म का आर्ट है, एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है। हमारे जो भी कलाकार हैं वो सारी की सारी कमाई हम लोगों से ही करते हैं। कोई भी क्षेत्रीय कलाकार किसी भी किस्म का गाना गाता है या किसी किस्म की फिल्म इंडस्ट्री में किसी किस्म का कोई भी कमाई करता है तो हमारे थ्रू करता है, तो ये हमारा अधिकार है, हम उसको क्रिटिसाइज करें। और हमारे क्रिटिसाइज करने से उसमें कॉन्स्टेंटली सुधार भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने किसी गाने की सिचुएशन में कुछ कमियाँ बताई हैं, तो ऑब्वियसली जब भी वो मेकर अगला गाना बनाएंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि लोकल ऑडियंस, एक जो आखिरी लेवल पर देखने वाला जो बंदा है जिसको दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, उसमें उस किस्म की कमी ना हो। हमने एक गाने के लिरिक्स को लेके कहा था कि उसी में वो पहले तारीफ करे जा रहा है, बाद में उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, पहले उसी चीज़ को अच्छा बता रहा है, फिर उसी चीज़ को बुरा बता रहा है, तो शायद जो लिरिक्स लिखने वाले हैं अगली बार वो ध्यान रखेंगे। और जो भी भाई उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि डिजिटल मीडिया पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे रह जाता है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट वहाँ पे मौजूद होता है। नहीं समझ में आता तो हम इस तरह बताते हैं कि आप फेसबुक पे किसी के खिलाफ कोई कमेंट करते हैं तो आपको लगता है आपने कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ, वो हमेशा वहीं रहेगा। हाँ, उसकी लोकेशन नहीं मिलती लेकिन स्क्रीनशॉट और लिंक हमेशा मिलता है।
उसके बाद आपकी लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, कल रात को आपने क्या खाया था, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कहाँ आप पिछले एक दो महीने में आए गए हैं, वो सारे का सारा डाटा बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आप अपना नाम छुपा के, पहचान छुपा के किसी को कुछ भी कह सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसके बाद अगर कोई आप पे कानूनी कार्रवाई करता है तो आपके लिए ही ठीक नहीं है। तो जिस भाई से हमारी बातचीत हुई थी, उस भाई को अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो मैं बता दूं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेफिक्र होकर रहे, कोई टेंशन नहीं है, इन्जॉय कर भाई, हमारे सारे के सारे वीडियोस तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही हैं, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और बाकी हमारे जो भी फ्रेंड लोग हैं वो इन वीडियोज़ को देखो और इन्जॉय करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये मस्ती मजाक के लिए है, हम किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप ज़्यादातर लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर किसी भाई को तकलीफ है तो उनसे अनुरोध है कि ये वीडियो ना देखा करें, बाकी जिन लोगों को मज़ा आता है वो ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें भी दें ताकि हम भी अपने वीडियो में निरंतर सुधार कर सकें। तो ये थी वो बातें जो हम लोगों से करना चाहते थे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। इतनी गर्मी है और ऐसे करके हम पंखा चला चला के हवा कर करके चला रहे, भाई पंखे का भी बजट नहीं है, बड़ी गरीबी है। तो ऑफेंड होना बंद करो और इन्जॉय करना शुरू करो। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए